हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चिली। द इंग्रेडिएंट्स आर एज, ये हमने पनीर को फ्राई करके रख दिया है। आफ्टर दैट वी हैव कट अनियंस, कैप्सिकम एंड वी नीड सम स्पाइसेस। ठीक है, फॉर दैट वी हैव ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, चिली एंड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, केचप एज रिक्वायर्ड, कट एंड चॉप्ड जिंजर and garlic, and we have some spring onions, and this is cornstarch dissolved in few spoons of water. So we will start the process now. So aaj ke hamare chef hain Mr. Mayank Khurana and co-chef Mr. Akash Khurana. Hello Akash, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Let's start the process. आज हम बना रहे हैं चिली पनीर या पनीर पनीर चिल्ली, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो हम चिली पनीर बना रहे हैं, आकाश मेरा और कीर्ति का फेवरेट ऑलवेज। आकाश क्या एक्साइटेड हो गया आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा। चलो फिर आ जाओ, बनाते हैं चाइनीज वॉक हमारी, जिसे हमारी चाइनीज बनता है। और मैं अपने व्लॉग चैनल पे पहली बार चाइनीज डाल रहा हूँ। चाइनीज बना रहे हैं, पहली बार चाइनीज बना रहे हैं हम लोग। तो जितना हो सके उतना गर्म कर लो उसको, वॉक को जितना भी आप पॉसिबल है, बिकॉज हमारी गैस बहुत कम फ्लेम की है, टाइम लगता है गर्म होने में। जैसे गर्म हो जाए फिर आप उसमें तेल डालेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, पूरा सामान है जो चीज़ चिल्ली में जाएगा। ये मैंने चीज़ चिल्ली को फ्राई कर रखा हुआ है बैटर में, तो देखते हैं कैसा बनता है। ये है तेल हमारे पास, थैंक यू। तो हम इसमें तेल फैला के डालेंगे, थोड़ा दूर रहिएगा हो सकता आग लगे। जितना हो सके उतना तेल फैला लो ऐसे। ठीक है, और गैस को तेज ही रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग तेल को हिला देते हैं उसमें वॉक में, जिसे चिपके ना। ठीक है, प्रियंका तेल कम कर दो चाहे तो। ठीक है, सो हम सबसे पहले इसमें ग्रीन चिली, दिस इज गार्लिक, गार्लिक तो जितना आप गार्लिक डालते हो उतना अच्छा है। तो ये गार्लिक जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये है अदरक। तो अदरक हमारा कम होता है हर बार, ज्यादा यूज नहीं करते। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये थोड़ा सा गर्म होने लगे, आपको लग रहा है कि ये चेंज कर रहा है अपना कलर। फिर इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा इसको बर्न होने दो, ब्राउन टेक्सचर आने दो। चलाते रहना जिससे काले ना हो, राइट। अब इसमें हम डालेंगे, तो हमें गार्लिक को थोड़ा गोल्डन ब्राउन आने तक करना है, एंड देन डालेंगे। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन करेंगे, और गैस तेज ही रहेगी। क्योंकि ये चाइनीज है तो उसलिए फटाफट पकाते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, सब रेडी है हमारा।
तो हम ये पहली बार चाइनीज बना रहे हैं हमारी YouTube फैमिली के लिए कि हम लोग कैसे ऐसी चीज़ें बनाते हैं अपने घर में। आकाश इज क्वाइट एक्साइटेड टू ईट चीज़ चिल्ली। हाँ भैया आकाश, क्या बात, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत बढ़िया। प्याज गिर गया, फ्लाइंग अनियन। अब इसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे जो हमने चॉप कर रखी है। यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है। हम कभी गर्म पानी डालते हैं, नॉर्मल पानी डालते हैं। अच्छा रखा है। अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो सब्जियों की जो क्रिस्पनेस है वो खत्म हो जाएगी। फ्लाइंग वेजिटेबल्स चल रही है। और कभी भी सोया सॉस डायरेक्टली डालते नहीं है, जो सब्जी है उसका कलर खराब हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के, पानी डाल के फिर डालते हैं सोया सॉस। एंड दिस इज कॉर्न स्टार्च। अभी जो हम बनाएंगे पनीर उसको गाढ़ा करने के लिए, तो उसको लागत तक वो पक रहा है। जब तक सब्जियां क्रिस्प हो रही हैं तब उसको रेडी कर लो। स्प्रिंग अनियन कब डालने हैं? स्प्रिंग अनियन लास्ट में डालेंगे हम। आपको डालना है तो अभी आप डाल सकते हो थोड़ा टेस्ट के लिए, बट स्प्रिंग अनियन लास्ट में ही डालते हैं हर बार। सबको डालना है हल्का सा सॉस, सोया सॉस एंड रेड चिली। एक बार देख लीजिए, हमने हल्का सा स्प्रिंग अनियन डाल दिया। तो जैसे ही आपका कैप्सिकम हल्का हल्का सा ग्रीन जैसे हो जाए, कुछ नहीं थोड़ा सा एक बार वॉर्म अप कर लो और फिर हम पानी डालेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा पानी दो। तो गैस को हम स्लो नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी और जैसे आप पानी डालोगे उसमें हरी सॉस, ग्रीन सॉस जो के पास है, और जो हमारा सोया सॉस है उसको हल्का सा डालना होता है, इसलिए हम लोग मेजर करके डालते हैं। राइट, कोशिश करिए इसको कम डालना है। ठीक है, दिस इज रेड सॉस जस्ट फॉर द टेस्ट। रेड चिली सॉस ना? रेड चिली सॉस। एंड दिस इज माय फेवरेट टमाटो सॉस, ये भी टेस्टी डालते हैं हम, इससे अच्छा टेस्ट आए। एंड देन इसको हम नाउ विल फील कि कलर चेंज हो रहा है। राइट, कॉर्न स्टार्च कब डालना है? कॉर्न स्टार्च लास्ट में डालेंगे जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा। हाँ, जब वो बॉयल आ जाएगा तब इसमें हम दो चीज और डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ले लीजिए, और दिस इज माय इंग्रेडिएंट, दिस इज चाइनीज सॉल्ट, दिस इज चाइनीज सॉल्ट, और नमक। हम लोग नमक कम डालेंगे बिकॉज हमने सोया सॉस डाला हुआ है। राइट, आपके पास अगर शेजवान सॉस है शेजवान सॉस डाल सकते हो इसमें। हल्की सोया सॉस दीजिए मुझे, हल्का सा कलर जो है ब्लैंड है अभी भी, तो हम हल्की सोया सॉस डाल सकते हैं इसमें।
ठीक है. नाउ यू कैन सी द कलर चेंजेस. ठीक है, थोड़ा इसको उबलने देंगे हम. साथ साथ में बीच बीच में हाथ धोते रहें, गंदे हाथ से खाना ना बनाए. तो जैसे ही एक उबाला आ जाए इसमें आपको पनीर डालना है जो आपने फ्राइड किए थे. राइट, कोटिंग क्या की है फ्राई करते टाइम? इसमें मैदा और कॉर्न स्टार्च का बैटर है और हल्का सा नमक और मिर्ची यूज करी जस्ट फॉर द कलर. जैसे ही आप है ना इसको ऐसे ला देते हैं. राइट, आपको इसमें एक चम्मच गार्लिक का पेस्ट डालना है जस्ट फॉर टेस्ट. और जो हमने ये बनाया था कॉर्न स्टार्च का स्लरी इसको हम डाल देंगे. अब जैसे ही आप कॉर्न स्टार्च का स्लरी डालोगे आप इसमें यू विल फील कि वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया जो हमारी चिली पनीर था जैसे आपको बाहर मिलता है. आकाश थैंक यू. आकाश, आकाश आप अपना हेल्प करवाता रहता है मेरी. बस एक उबाल का वेट करेंगे हम. वाओ, सो हल्का सा नमक कम है इसमें. मसाला ठीक है. स्प्रिंग अनियंस एंड गार्लिक. थैंक यू. और इसमें से स्मेल आने लगी अच्छी सी, अच्छी खुशबू आने लगी. यस, ये बात सही है. आकाश को टेस्ट करो. हाँ हाँ. कैसा आकाश? बहुत बढ़िया. इसमें जिंजर गार्लिक सबका फ्लेवर लग रहा है बाहर जैसा. तो हम लास्ट में इसमें धनिया डालेंगे. गैस को सिम पे कर देंगे जिससे धनिया खराब ना हो. और स्प्रिंग ओनियन डालेंगे जिससे स्प्रिंग ओनियन बर्न ना हो. राइट, इसको डालने के बाद एक हम अच्छी सी प्लेट में इसको सजाएंगे. इसको मिला लीजिए एक बार. और एक बार लास्ट टाइम गैस ऑन कर करके और बंद कर देंगे. अब इसको हम सर्व इट सर्व करेंगे सबके लिए जो सब लोग खा पाए. You need more? नहीं अभी नहीं चाहिए. थैंक यू. तो अब मयंक रीडिंग कर रहा है. एक कटोरी दे दीजिए प्लीज. Just for fun. बाद में से. इसमें हल्का सा धनिया और जस्ट दोनों थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन ओनियन. अब चीज चिली इज रेडी. लेट्स टेस्ट इट. सो हमने ये टेस्ट की एंड बहुत टेस्टी है. बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. Please like, share and subscribe to our channel. Bye. Bye.